सालों से शहर के विविध पुलिस थाना क्षेत्र में बंद घरों में चोरी करने वाले शातिर आरोपी को मानगापुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी ने अभी तक 12 घरों पर अपना हाथ साफ किया। पुलिस ने आरोपी से अभी तक चोरी किया माल जब्त किया है। मानगापुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 2009 से बंद घरों में सेंध लगाने वाले एक शातिर चोर को मानगापुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी से शहर में हुए 12 सेंध का पर्दाफाश हुआ है। जानकारी के अनुसार मानगापुर पुलिस थाना क्षेत्र के दुर्गा नगर निवासी फरियादी राजेश रापरतीवार 24 से 26 मार्च के दौरान शादी के लिए चंद्रपुर गए थे। इसी दौरान उनके बंद घर में चोरी हुई। फरियादी इसकी शिकायत मानगापुर थाने में की थी। इसी मामले की जांच के दौरान 20 अप्रैल को पुलिस को जानकारी पर आरोपी नीलेश पुरुषोत्तम वार को गोदनी पेट्रोल पंप परिसर से एक एक्टिवा गाड़ी चोरी करने के लिए उपयोग में आने वाले सामान के साथ हिरासत में लिया था। उसको थाना लाकर पूछताछ करने पर उसने फरियादी के घर चोरी करने की बात कबूली और कड़ी पूछताछ पर पुलिस के सामने उसने 2009 से अभी तक शहर के विविध पुलिस थाना में किए कुल 12 चोरियों की कबूली दी है। इनमें मानकापुर में 8, कोराड़ी में 3 और जरीपटका में 1 शामिल है। आरोपी शाम 6 बजे के बाद घूमकर घरों की रैकी करता था और वो घर बंद दिखे वहाँ चोरी करता था। पुलिस ने आरोपी के पास से सोने और चांदी के आभूषण जब्त किए हैं। पुलिस का कहना है कि इसके और मामले उजागर हो सकते हैं। गोपनीय माहिती अशी मिळाली की हद्दीमध्ये जो घरफोडीचा आरोपी आहे तो संशयितरित्या आहे आणि त्याला आम्ही चेक केलं असता त्याच्या गाडी वगैरेमध्ये पूर्ण घरफोडीचं साहित्य मिळालं। एकूण घरफोडीचं जे साहित्य बघता तो त्याला विचारपूस अधिक विचारपूस करून त्याच्याकडनं आत्तापर्यंत टोटल 285,650 रुपयाचा मुद्देमाल, सोने, चांदी, चांदीचे भांडे, मोबाईल आणि महागड्या किमतीचे घड्याळ असा एकूण 285,650 रुपयाचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलेला आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज नागपूर।